हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्थी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके सामने बात करूंगा जो मल्टीविटामिन ड्रॉप्स है जो डॉक्टर अक्सर बच्चे को देते हैं, इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसको मल्टीविटामिन अगर आप ड्रॉप्स को बच्चे को नहीं देते हो तो उसमें क्या नुकसान होगा आपके बच्चे की, और फिर इसको कैसे देना है और कब तक देना है और इसका प्राइस कितना है, पूरा रिव्यू करूँगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो आप अभी हमारे वीडियो को देख रहे हो इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ बेल आएगा ऑल वाला बेल पे आपको दबा के रख देना है, और जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे ऐड ए पब्लिक कमेंट आएगा, यहाँ पे इस मल्टीविटामिन ड्रॉप्स के रिलेटेड आपको जो भी जानकारी लेना है आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं, सबसे पहले ये जो मल्टीविटामिन ड्रॉप्स है आपको आपके बच्चे को क्यों देना है और जैसे कि फ़ायदे, और दोस्तों इसका फ़ायदा क्या क्या है। जैसे दोस्तों आपके बच्चे की हेल्थ, हाइट और ब्रेन का विकास कर सकता है। दोस्तों ये आपके बच्चे में होने वाली नॉर्मल बीमारी जैसे कि खून की कमी, जैसे शारीरिक कमज़ोरी, दुबला पतला बच्चा, इन सभी चीज़ों के लिए इसको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। ये मल्टीविटामिन अगर आपका बच्चा दुबला पतला है तो आपको तो रोज़ पिलाना है, और आपको मैं बता दूं ये जो है मल्टीविटामिन अगर आप आपके बच्चे को दोगे, आपका बच्चे का जो भूख है ज़्यादा बढ़ाएगा, फिर आपका बच्चा तभी हेल्दी हो जाएगा। और भी दोस्तों इस तरह का बहुत ही बच्चे का, जैसे इम्यूनिटी कम हो जाना, इम्यूनिटी अगर आपके बच्चे का कम हो जाता है तो उस टाइम बच्चे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका बच्चा जब ग्रोथ होते हैं उसमें इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे का इम्यूनिटी कम हो गया तो उस टाइम बच्चे का बुखार, बच्चे का जुकाम, बच्चे का फिर सर्दी, इस टाइप का बीमारी ज़्यादा होगा। और फिर आपको ये बात भी आपको याद रखना है, अगर आपके बच्चे का इम्यूनिटी सही है फिर आपके बच्चे का कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब बीमार होगा फिर पिछले दिन ठीक हो जाएगा, और ये बहुत ही ज़रूरी है मल्टीविटामिन ड्रॉप्स आपके बच्चे को देना। और दोस्तों अभी जैसे कि आपको मैंने इसके फ़ायदे के बारे में बताया, अभी इसके नुकसान, जो नुकसान है इसका नुकसान के बारे में बताते हैं। अगर आप इसको नहीं पिलाओगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, और इसको ज़्यादा पिलाने से कोई भी नुकसान नहीं है, ये फ़ायदा है। अगर आप नुकसान का बात करो, ये अगर मल्टीविटामिन नहीं पिलाओगे आपके बच्चे को तब जाके नुकसान होगा, जैसे कि आपके बच्चे की नॉर्मल बीमारी जैसे हाइट कम बढ़ेगा, फिर ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा ब्रेन नहीं होगा, फिर हेल्थ में मतलब जो आपके बच्चे को दुबला पतला रहेगा, मतलब ग्रोथ नहीं होगा, ये सब नुकसान होता है अगर आप ये मल्टीविटामिन ड्रॉप आपके बच्चे को नहीं देते हो। और दोस्तों अभी बात करते हैं ये जो मल्टीविटामिन ड्रॉप है आपके बच्चे को कैसे देना है। दोस्तों ये जो मल्टीविटामिन है आपको जैसे मैंने बताया, ये ड्रॉप में देखो क्यों देना है, बहुत ज़रूरी क्यों, जैसे कि यहाँ पर HML प्रोवाइड, जो कि ये देख सकते हो कितना कितना है, यहाँ पर है एलिसाइन जो कि हाइड्रोक्लोराइड देख सकते हो 20 mg है, फिर यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे विटामिन BC 0.mg, फिर विटामिन B2 भी है इसमें, फिर विटामिन B1, सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है। तो आप ये बहुत ही ज़रूरी है, जो विटामिन E बहुत ज़रूरी है 2 mg है, सारा कुछ जो बच्चे में चाहिए सब कुछ यहाँ पे है। तो अभी इसका बात करते हैं इसको कैसे देना है। दोस्तों अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है तो आपको उसमें जैसे इसमें निकालते हो तो एक ड्रॉपर होता है, जैसे मैंने इसको निकाल लिया, तो इसको निकालने के बाद इस टाइप का आते हैं ये इस तरफ से, ठीक है, जो ड्रॉपर है। अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, 0.2 ml, ठीक है, अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है तो 0.2 ml तक देना है, सिर्फ दिन में एक ही बार देना है, ठीक है, ये एक ही बार देना है, ठीक है। और फिर अगर आपका बच्चा 2 महीने से 6 महीने के अंदर है तो आपको 0.4 ml तक देना है, अगर आपका बच्चा 6 महीने से 1 साल तक है तब आप पूरा 1 ml पिला सकते हो, ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखो। तो आपको ये बार बार पिलाने का ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ एक ही बार, मतलब वन टाइम पर डे पिलाने से हो जाता है। और ये मल्टीविटामिन क्यों देना है आपके बच्चे को, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। और दोस्तों अभी बात करते हैं ये कहाँ से लेना है आपको, कहाँ से खरीदोगे, कितना रुपया में खरीदोगे। दोस्तों ये किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाता है, इसका 30 ml का है और ये देख सकते हो इसका प्राइस है 90 rupees, जो कि बच्चे का इतना ज़्यादा प्राइस नहीं होता है। और यहाँ पर देख सकते हो, जो कि यहाँ पर इस तरह से बेस्ट बिफोर देख सकते हो, ठीक है। तो इसको आपके बच्चे को मल्टीविटामिन ड्रॉप्स दे सकते हो, बहुत ही सही ड्रॉप है।
तो इसके रिलेटेड और भी सवाल करना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले दिन अगली वीडियो में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को ख़त्म करने से पहले और एक रिक्वेस्ट है, इसके रिलेटेड और भी जानकारी लेना चाहते हो तो एक डॉक्टर की कंसल्ट करो, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लो, आपको पता चल जाएगा और भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।